Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to learn a computer chapter, parts of a computer. It means in this chapter, friends, I'm going to teach you about different parts of a computer. So first of all, let me tell you the objective of this lesson. It means what all things you are going to learn in this chapter. First, we will do introduction of this lesson. Then we will learn about main parts of computer and then other parts of computer. तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स भी पढ़ेंगे और जो उसके ऑल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ आर बॉडी पार्ट्स सो फ्रेंड्स कैन यू टेल मी नेम्स ऑफ सम ऑफ योर बॉडी पार्ट्स येस टेल मी या एग्जैक्टली लाइक वी हैव आईज नोज ईयर हैंड्स आर्म्स लेग्स राइट दीज आर समी पार्ट्स आर बॉडी पार्ट्स मीन्स कि हम ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स हैं ये कुछ बताए हैं अभी हमने सिमिलरली ट्रीज ऑल्सो तो फ्रेंड्स हमें अपने घरों के आसपास ट्रीज दिखाई देते हैं ना ट्रीज के पास भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप एक ट्री देख सकते हैं इट हैज पार्ट्स लाइक ब्रांचेस लीव्स फ्रूट्स एंड रूट्स

तो फ्रेंड्स जैसे कि हम ह्यूमंस के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं और वो जब एक साथ मिलकर काम करते हैं जब भी हमारी बॉडी काम कर पाती है उसी तरह से कंप्यूटर के भी जो पार्ट्स हैं वो मिलकर दे वर्क टुगेदर एंड देन ओनली अ कंप्यूटर कैन वर्क सो दीज आर कॉल्ड एस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर तो उन्हें हम क्या कहते हैं वी कॉल देम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट बिफोर दैट देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट द फर्स्ट माउस वॉज मेड फ्रॉम वुड तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम माउस की बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर के माउस की बात कर रहे हैं तो so, जो सबसे पहला कंप्यूटर माउस बना था वो वुड यानी लकड़ी से बना था ओके नाउ लेटमी शो यू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सो फ्रेंड्स लुक है दिस इज अ कंप्यूटर एंड इट हैज डिफरेंट पार्ट आई एम श्योर यू मस्ट है इधर एट योर स्कूल और एट योर होम्स तो ये जो है कंप्यूटर का पार्ट इट इज नोन एज मॉनिटर क्या कहते हैं इसको मॉनिटर देखिए ऐसी स्क्रीन सी जो टीवी जैसा दिखाई देता है उसे हम कहते हैं मॉनिटर देन हेयर वी हैव की बोर्ड वॉट डू वी कॉल इट की बोर्ड तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है की इस पे बहुत सारी ये कीज होती हैं. ठीक है ठीके? फिर यहां पे देखिए इट इज देन हेयर इट इज अ माउस माउस जो अभी मैंने आपको ऊपर फैक्ट बताया जहां पे मैंने कहा कि जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस था तो मैं इसी माउस की बात कर रही थी तो सबसे पहले जो माउस बना था कंप्यूटर का वो वुड से बना था ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इन डिटेल सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मॉनिटर अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन

डिस्प्ले मतलब कि जहां पे हम चीजों को देख पाते हैं क्या क्या चीजें देख पाते हैं हम कोई भी इमेज जैसे कि ये इमेज है टेक्स्ट यानी कि कुछ भी लिखा हुआ वो चीज कार्टून या मूवीज तो हमें कुछ भी अगर कंप्यूटर पर देखना है तो हमें कहाँ दिखता है मॉनिटर पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स तो फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स होते हैं कौन कौन से जैसे कि सी आर टी सी आर टी क्या होता है ये ये जो पहले होता था अब यूजली ये वाला नहीं होता है इसको हम सीआरटी मॉनिटर कहते थे फिर है एल और एलई तो एल मॉनिटर भी होता है एलई मॉनिटर भी होते हैं इवन टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर अवेलेबल दीज डेज ये फ्रेंड्स जैसे कि हमारे फोन होते हैं कि उनकी जो स्क्रीन होती है टच स्क्रीन कहते हैं कि हम अपनी फिंगर को टच करके उन पे काम कर पाते हैं राइट इसी तरह से मॉनिटर्स भी आजकल टच स्क्रीन भी आने लग गए हैं तो ये मैंने आपको बताया मॉनिटर्स के बारे में तो एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ लिया है मॉनिटर्स नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर लाइक फ्रेंड्स वी ह्यूमन हैव अ ब्रेन राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सिमिलरली अंप्यूटर ऑल्सो हैज अ ब्रेन विच इज नोन एज सी पी क्या कहते हैं उसको सीपीयू और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर तो ये किस लिए जरूरी है क्योंकि ये दूसरे जो कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है जैसे कि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को इसी तरह से ये सीपीयू भी कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है दैट इज वाई इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सो हेयर यू कैन सी कि सीपीयू कैसा दिखता है इट ड कैलकुलेशंस फॉर द सिस्टम तो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर पर वो ये सी पी यू सी पी यू ही परफॉर्म करता है इट इज सुपरफास्ट एंड मल्टी टास्किंग डिवाइस सुपर फास्ट यानि बहुत फास्ट काम करता है और मल्टी टास्किंग यानि की बहुत सारे काम एक साथ करता है जैसे कि आप घर में अपनी मदर को क्या कहते हैं कि शी इज अ मल्टी टास्किंग यानी कि आपकी मदर जैसे बहुत सारे काम एक साथ कर लेती है ना वैसे ही सीपीयू भी मल्टी टास्किंग डिवाइस है ये बहुत सारे काम एक साथ कर पाता है ठीक है नाउ लेट्स लर्न अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बोर्ड अ की बोर्ड इज द टाइपिंग बॉडी ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज यूज फॉर टाइपिंग एल्फाबेट्स नंबर्स एंड सिंबल्स सो है इट इज अ कीबोर्ड क्या कहते हैं इसको कीबोर्ड तो इस ये क्या है ये टाइपिंग बडी है कंप्यूटर का हम इसको क्या कहेंगे जैसे सीपीयू को हमने ब्रेन बोला ऐसे इसको क्या कहते हैं टाइपिंग बडी इसकी मदद से हम टाइप कर सकते हैं क्या क्या टाइप कर सकते हैं हम अल्फाबेट्स क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फाबेट्स है ना फिर इधर नंबर्स हैं और अलग अलग सिंबल्स हैं तो इनकी मदद से हम जो भी टाइप करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर वो कर पाते हैं इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप विद मेनी कीज ऑन इट तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये सब क्या कहलाती है ये कीज कहलाती है कीबोर्ड की रेक्टेंगुलर होता है शेप में When we type using a keyboard, it is displayed on the monitor. Yes friends, it is very necessary to understand this thing कि जब हम keyboard से कुछ भी type करते हैं तो वो कहाँ display होता है Monitor पर क्योंकि monitor क्या है डिस्प्ले पार्ट है कंप्यूटर का वहां पे वो सारी चीजें डिस्प्ले होंगी वायरलेस कीबोर्ड्स आर आल्सो अवेलेबल दीस फ्रेंड्स यूजुअली क्या होता था पहले कि भी, जो कीबोर्ड होता था वो कनेक्टेड यानी एक वायर जा रही होती थी कंप्यूटर पर कनेक्ट होने के लिए पर अब वायरलेस कीबोर्ड्स भी आ गए हैं राइट तो अभी तक मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए हैं कंप्यूटर के हमने अभी पढ़ा मॉनिटर के बारे में फिर सीपीयू के बारे में और की बोर्ड के बारे में लेट्स रीड फर्दर बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अगेन कम अक्रॉस अ फैक्ट कॉर्नर अ बैकर्स इज द फर्स्ट मैनमेड डिवाइस टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन अट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन तो फ्रेंड्स जैसे कि हम कंप्यूटर पर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे ही अबैकस पर भी हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं इनफैक्ट अबैकस ही पहला मैनमेड डिवाइस था टू परफॉर्म मैथमेटिकल ओके नाउ लेट्स रीड अबाउट द फोर्थ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज माउस माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर तो फ्रेंड्स माउस क्या होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है यानी माउस की मदद से हम पॉइंट कर सकते हैं देखिए अभी जैसे कि मैं यहां पर ये सब जैसे आप देख रहे हैं ये जो कर्सर है ये, ये क्या है ये माउस की वजह से ही आ रहा है मैं अगर किसी चीज को यहाँ पे पॉइंट कर पा रही हूं तो माउस की वजह से ही कर पा रही वी कैन मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर यूजिंग द माउस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पर कर्सर मूव करते हैं किसकी मदद से माउस की हेल्प से माउस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू और ये जो माउस होता है ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है कैसे वायर से लेट मी शो यू दिस वायर हेयर ये देखिए फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर वायर दिखाई दे रही है ना तो ये जो वायर होती है ये सीपीयू से कनेक्टेड होती है राइट नाउ इट हैज टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील तो ये माउस के देखिए यहाँ पे दो बटन होते हैं ये लेफ्ट एंड राइट दो बटन होते हैं इसके और ये स्क्रॉल व्हील होता है लेफ्ट बटन इज यूज फॉर लेफ्ट क्लिक तो जो लेफ्ट वाला बटन होता है वो लेफ्ट क्लिक के लिए यूज होता है और ये जो राइट right वाला बटन होता है ये राइट right क्लिक के लिए यूज होता है एंड दिस व्हील इज यूज टू स्क्रॉल द पेजेस और ये जो व्हील होता है इससे हम क्या करते हैं हम पेजेस को स्क्रॉल करते हैं जब हम कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं तो हम पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं या हम वेबसाइट कोई रीड कर रहे हैं तो वहां पे हमें ऊपर नीचे जाना है तो जब भी ये जो व्हील होता है ये यूजफुल होता है इट ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स तो माउस की हेल्प से फ्रेंड्स हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड यस वी कैन प्ले गेम्स ऑल्सो तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी आपको बताए हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट ऑल पार्ट्स डिड वी रीड अबाउट वी रेड अबाउट मॉनिटर सीपीयू

हो सकता है आपने ये प्रिंटर अपने स्कूल में या आपके घर में भी देखा हो तो जब फ्रेंड्स तो प्रिंटर की प्रिंट करनी है मतलब कि एक पेपर पर हमें वो एज इट इज इंफॉर्मेशन चाहिए चाहे वो टेक्स्ट हो या पिक्चर हो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम वो पेपर डालते हैं ये प्रिंटर कनेक्ट करते हैं हम अपने कंप्यूटर से और यहां पर जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ये ये प्रिंट आउट है ठीक है ये प्रिंट आउट कहलाता है जो चीज हमें प्रिंट करनी है पेपर पर वो ऐसे यहां पर निकल कर आई है पेपर में और इसको हम कहते हैं प्रिंट आउट द प्रिंटेड मटीरियल ऑन द पेपर इज कॉल्ड एज प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी तो ये जो प्रिंट आउट होता है इसको हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इट इज नोन एज यू पी एस द फुलस इज अनप्टेड पावर सप्लाई तो फ्रेंड्स इधर देखिए ये होता है यूपीएस देखते हैं कि इसका क्या काम होता है इट अलाउज कंप्यूटर टू वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन इफ देअर इज अ पावर सप्लाई कट तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है अब अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर और थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई कट हो जाए यानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वो क्या कैसे काम करेगा या तो वो एकदम से बंद हो जाए उससे हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा तो इसीलिए यूपीएस अपना काम आता है जिसकी फुल फॉर्म होती है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई वो थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर को काम करने देता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है पावर सप्लाई कट हो जाती है तो यूपीएस काम आता है

तो इसलिए जॉयस्टिक को अनदर पॉइंटिंग डिवाइस कहा गया है लुक दिस इज अ जॉयस्टिक एंड इट इज यूज टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन तो फ्रेंड्स ये जॉयस्टिक हमारा जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उस पर ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए काम आती है यहाँ पे डिफरेंट बटन होते हैं जॉयस्टिक में जिसे हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स मेनली जो जॉयस्टिक का यूज होता है वो गेमिंग के लिए होता है गेमिंग एप्लीकेशंस में यूज करा जाता है जॉयस्टिक नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज पेन ड्राइव इट इज अम्पैक्ट एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस तो फ्रेंड्स ये जो पेनड्राइव होती है वो ऐसी होती है देखिए और ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं पेनड्राइव में चाहे कोई वो टेक्स डॉक्यूमेंट हो कोई इमेज हो कोई मूवी हो कोई सॉन्ग हो जो भी हमारे कंप्यूटर में है हम वो सारी चीजें पेनड्राइव में सेव कर सकते हैं और ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम कैरी कर सकते हैं और कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि ये छोटा सा होता है तो ये छोटा सा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है वी कैन स्टोर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन टू इट एंड कैरी अलॉन्ग एनी वेयर वी वॉन्ट नाउ नेक्स्ट इज स्कैनर नाउ दिस इज अ स्कैनर अब स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर डॉक्यूमेंट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म तो फ्रेंड्स जो स्कैनर होता है वो जो हमारे पेपर पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखिए अभी मैंने आपको जो प्रिंटर के बारे में बताया था प्रिंटर में क्या होता है वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर इन द कंप्यूटर हम उसको पेपर में लेते हैं हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं बट स्कैनर में क्या हो रहा है हमारे पास जो ऑलरेडी पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं और वो हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म यानी कि हमें उसको कंप्यूटर में डालना है वो ऑलरेडी कंप्यूटर में नहीं है हमें अब उसको कंप्यूटर में डालना है तो वहां पे काम आता है स्कैनर तो यहां पर हम उनको डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं और कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ये इसकी डिजिटल कॉपी बनकर कंप्यूटर में चली जाती है वी कैन इजिली कीप मोर डॉक्यूमेंट्स इन अ लेस स्पेस तो स्कैनर हम किस लिए यूज करते हैं जिससे कि हमें वो जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो ना रखने पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम डॉक्यूमेंट्स को अपने स्कैन करके हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में तो वो कम स्पेस लेते हैं पर अगर हम अपने ऑफिस में या अपने घर में इतने सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो हमें ज्यादा स्पेस चाहिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है स्कैनर नाउ नेक्स्ट वी हैव स्पीकर्स उंड ऑफ द कंप्यूटर इज हर्ड विदेल्प ऑफ स्पीकर हमें देखिए uh, ऐसे स्पीकर होते हैं अभी यू नो uh, you know, जैसे इधर लिखा हुआ है दे आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पीकर अवेलेबल इन द मार्केट डीजेज वायर्ड वायरलेस स्मॉल एंड बिग इन साइज तो यहाँ पे ये स्पीकर शायद आपको बड़े दिखाई दे रहे हो बहुत टाइप के स्पीकर आजकल आते हैं पहले तो ऐसे बड़े बड़े ही आया करते थे अब बहुत छोटे छोटे भी आते हैं वायर यानी तार जिनको हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से ऐसे जुड़े हुए भी आते हैं बिना वायरलेस यानी बिना वायर के भी जिनको हमें कंप्यूटर से ऐसे कनेक्ट वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे स्पीकर्स भी आते हैं तो स्पीकर्स बहुत जरूरी हैं अगर हमें कोई भी यू नो वी हैव टू लिसन टू एनी ऑडियो और वीडियो वी नीड टू हैव स्पीकर्स और अब जो लैपटॉप होते हैं उनमें तो इनबिल्ट स्पीकर होते हैं लैपटॉप देखे होंगे आप लोगों ने तो उनमें इनबिल्ट स्पीकर होते हैं नाउ द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सी डी एंड डीवीडी सी डी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी मीन्स डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क दे आर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ द डेटा तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी हे सी डी और डीवीडी ऐसी दिखती हैं और सीडी की फुल फॉर्म ये होती है और डीवीडी की ये फुल फॉर्म होती है दोनों ही काम आती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको पेन ड्राइव समझाते हुए बताया था जो हम डेटा हम अपने कंप्यूटर में है उसको हम स्टोर करना चाहते हैं उसको हम कहीं और लेकर जाना चाहते हैं तो हम ये स्टोरेज uh, डिवाइसेस का यूज करते हैं तो सीडी और डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस हैं डिफरेंस इन दोनों में ये है कि डीवीडी में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सी डी ठीक है फ्रेंड्स? सो दिस चैप्टर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सो नाउ आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव अ लॉट अबाउट कंप्यूटर एंड इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू नाउ वर्क ऑन कंप्यूटर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो